रउआ लोग कैसन बानी? आप लोग को तो पते बा कि हमार का नाम बा, रउआ के लोग तो मालूम बा ना कि हमार का नाम बा। एकदम सही सोचता नहीं, हमार उहे नाम बा जो हर वीडियो में हम बोले ली। ठीक बानू दोस्तों, ये अपने माटी का झलक आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया, भोजपुरी भाषा बोल के थोड़ा सा दिखाया। कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नाम मुकेश कुमार है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ना, जानने में क्या दिक्कत है ना, जान पहचान तो ऐसे ही बनता है। तो जान लीजिए, मेरा नाम मुकेश कुमार है और आप सभी लोग को मैं स्वागत करता हूँ डोंट वरी यूट्यूब चैनल में, क्योंकि आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो डोंट वरी है। और डोंट वरी का मतलब आप लोग समझते ही हैं, अधिकतर लोग जो है हर बात में जो है ये बात बोलते हैं कि डोंट वरी। जहाँ टेंशन वाली बात आता है वहाँ बोलते हैं डोंट वरी। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत नाम है, तो इस नाम से तो आप लोग परिचित होंगे ही। तो दोस्त चलिए, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त मैं लेके आ गया हूँ। बहुत डिमांड था, बहुत जो है साथी मेरे बोल रहे थे इसमें मॉल 91 वीडियो आप नहीं ला रहे हैं, मॉल 91 वीडियो नहीं रहे हैं। तो देखिए दोस्त, मॉल 91 वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, और ये जो मॉल 91 का वीडियो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो अपडेट है, एक फीचर है इसमें आया है, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्त जैसा कि आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, बहुत सारा जो है ऑप्शन है, बहुत सारा माध्यम है पेमेंट करने का, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, है ना, बहुत है और भी है। वैसे ही मॉल 91 भी दोस्तों एक यहाँ पे टाई अप किया है कंपनी के साथ जो यहाँ पे पेमेंट करती है। अब खास बात क्या है, जाहिर सी बात है पेमेंट तो आप सभी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है मॉल 91 यूजर के लिए कि अगर इसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, काम तो वही करना है, तो आपको यहाँ रोबी टोकन मिलेगा। क्या मिलेगा? रोबी टोकन। और रोबी टोकन क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी है, सभी को मालूम है ना। तो बताइए कि अगर मान लेते हैं गूगल पेमेंट से आप किसी को पे करते हैं तो वहां क्या मिलता है, लेकिन यहां अगर इसके माध्यम से आप पेमेंट कीजिएगा तो भैया यहां पे आपको रोबी टोकन मिल सकता है, समझ गए? यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको पूरा बताने वाले हैं, डिटेल से दिखाने वाले हैं कि क्या है, कैसे है, इसका नाम क्या है। इसलिए इत्मीनान से पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है जी हाँ, समय निकाल के देखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको लेकर चलते हैं, वहां पे डिटेल्स आपको बताते हैं कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉल 91 में क्या अपडेट आया है ना, तो उसके बारे में दोस्तों बताने के लिए आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पे मॉल 91 नहीं बल्कि अब रोबी 91 के नाम से ये ऐप रहता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ मेरा बहुत सारा ऐप आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं रोबी। ठीक है, रोबी यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर ROBI रोबी हमने सर्च कर लिया, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर रोबी आ गया है, ROBI M91। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्त जैसे ही मैंने क्लिक किया ये आपके सामने अर्न वाला जो सेक्शन होता है ऐसे आगे खुलता है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ है ना, तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप पेमेंट करेंगे है ना, तो यहाँ पे आपको रोबी मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पे सेक्शन है, पे पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, लीडर बोर्ड। ये लीडर बोर्ड क्या है? लीडर बोर्ड में वो नाम आता है दोस्तों जो पेमेंट डेली करते हैं। ठीक है, और वो डेली जो पेमेंट करते हैं जो रोबी यहाँ पे जिनको मिलना होता है, तो 24 आवर्स, जैसे आज आप पेमेंट कीजिएगा तो 24 घंटे के बाद आपका सिस्टम अपडेट करेगा। अभी देखिए यहाँ पे दोस्त लीडर बोर्ड में अभी टुडे अगर देखा जाए तो टुडे में दोस्तों इतने लोग जो हैं यहाँ पे पेमेंट किए हैं है ना, 10,000 10,000 10,000, मतलब इतने लोग पेमेंट किए हैं जिनका नाम यहाँ पर आ गया है। अब 24 घंटे बाद यहाँ पर इनका विनिंग अमाउंट जो यहाँ पर है वो विनिंग अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये विनिंग अमाउंट जो है यहाँ पे वो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट विनर आप देख सकते हैं, पहले का जो विनर है मात्र एक लोग हैं, अनिल जी हैं, जो यहाँ पे मात्र 2 रुपया स्पेंड किए थे, इनको 20 रोबी टोकन मिला है। आप देख सकते हैं दोस्तों 2.02 रुपया, मात्र 2 रुपया ये स्पेंड किए हैं, इनको 20 रोबी टोकन मिल गया है। तो यहाँ पे कुछ भी आप पेमेंट कीजिएगा तो आप यहाँ पे लीडर बोर्ड में आएगा, यहाँ इनको कल जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमको लगता है कि जितना आप पेमेंट कीजिएगा सबका 20 ही मिलता है शायद, अब पास्ट में तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन
अगर पेमेंट करके करना ही है तो इसे कीजिए, तो आपको रोबी टोकन यहाँ पे मिलेगा। रोबी टोकन का वैल्यू क्या आपको पता ही है। अब दोस्त यहाँ पे पेमेंट करने के लिए सिंपल सा फंडा होता है स्कैन एंड क्यूआर, जैसे आपको सभी लोग को मालूम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने स्कैन किया, यहाँ पे ओमनी नाम का एक प्लेटफॉर्म खुल गया। जी हाँ दोस्तों, ओमनी कार्ड। तो ये तो मैंने लीडर बोर्ड में दिखा दिया कि आपका अगर पेमेंट करेंगे तो आपका नाम आएगा, तो आपको रोबी टोकन यहाँ पर कितना मिला है वो भी शो करेगा। ठीक है, सारा ये ट्रांजेक्शन है दोस्तों, सारा ट्रांजेक्शन जो कीजिएगा आपके यहाँ शो करेगा। लेकिन उससे पहले हमको ओमनी कार्ड यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा ऐप। उसके दोस्तों यहाँ रिडीम आप देख रहे हैं, रिडीम पे आएंगे। रिडीम पे आने के बाद दोस्तों यहाँ Pay91 होगा, Pay91 पे जाएंगे। यहाँ पे Pay91 होगा, नीचे आते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे Pay91 है ना। इस Pay91 पे हम क्लिक करते हैं तो ये ओमनी कार्ड यहाँ पे खुल गया दोस्तों। और मैं चूंकि ऑलरेडी प्ले स्टोर से यहाँ ऐप डाउनलोड हो चुका है, नहीं तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप दबाइएगा Pay91 पे, ये आपको प्ले स्टोर में लेके चला जाता है ओमनी कार्ड, जहाँ से मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। आप लोग भी इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा, Pay91 गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आता है। तो जो नंबर आएगा, जो आपका Mall91 में नंबर है, वही नंबर यहाँ पर दीजिएगा और सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा OTP आएगा दोस्तों, OTP वहाँ पे डाल देना होता है। ठीक है, तो चलिए वो सारा प्रोसेस में देखिए यहाँ पे आ गया है 193740, यहाँ पे हम डाल लेते हैं। अलाउ कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक को ले लेगा और यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे खुला है। मैंने भी अभी डाउनलोड इसको किया, आज ही किया है डाउनलोड, इसलिए दोस्तों इस तरह खुल रहा है, तो आपका भी इस तरह से खुलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट करते जाइए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ मेल और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, सिटी, पटना और इंटर योर रेफरल कोड। तो दोस्तों इंटर योर रेफरल कोड की जहाँ तक बात है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफर कोड मिल जाएगा। ठीक है, वो रेफर कोड यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ टिक पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक किया है। चलिए यहाँ पर हम सारा कुछ भर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारा फिल कर लिया है, आप लोग रेफर कोड डाल दीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना रेफर कोड डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कीजिएगा, क्रिएट न्यू कार्ड आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गेटिंग योर कार्ड रेडी आएगा। ठीक है, आई हैव माई फिजिकल ओमनी कार्ड, आई डोंट हैव एनी फिजिकल ओमनी कार्ड। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि क्या आपके पास फिजिकल कार्ड है। आपको मालूम है कि ATM कार्ड जो होता है, वो फिजिकल कार्ड जो आपको डाकिया के थ्रू आपके यहाँ पहुँचता है, वो फिजिकल कार्ड होता है। एक डिजिटल कार्ड होता है जो आपका कार्ड जैसा होता है लेकिन शो करता है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई हैव माई फिजिकल ओमनी कार्ड, आई डोंट हैव एनी फिजिकल ओमनी कार्ड, डोंट वरी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, हमारे पास तो फिजिकल कार्ड है नहीं, तो आई डोंट हैव, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चूज आईडी टाइप पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर अपना आईडी डालना होता है। तो यहाँ पे जो आपका आईडी हो डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं पैन डाल लेता हूँ अपना, यहाँ पे पैन नंबर डाल लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपना यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, पैन हो, डाल लीजिएगा और उसका नंबर यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा आईडी नंबर के पास। चलिए वो हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सबमिट करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि आई एम बिलो 18 ईयर्स। आपको एक चीज़ मालूम होगा दोस्तों कि भारत सरकार, भारत में अगर आप हैं, भारत से हैं, भारत के नागरिक हैं, तो 18 साल से ऊपर के ही व्यक्ति को यहाँ पे हर चीज़ मिलता है, सारा डॉक्यूमेंट, पैन हो, आधार हो, है ना, बनता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि 18 वर्ष से नीचे है, तो जाहिर सी बात है आपके पास डॉक्यूमेंट होगा नहीं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट है अपना डाल लीजिएगा और सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने ये देखिए, इस तरह का कार्ड खुल गया है। आप यहाँ पे ऐड मनी कर सकते हैं, मतलब इस कार्ड में पेमेंट ऐड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ऐड कीजिएगा तभी पेमेंट कीजिएगा, है ना। न्यू कार्ड है दोस्तों, ऑर्डर योर फिजिकल कार्ड, मतलब आप अगर चाहते हैं कि ATM की तरह आपके पास कार्ड आ जाए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट UPI ID आप कर सकते हैं, यहाँ पर जनरेट UPI ID पर क्लिक कर सकते हैं। मतलब आप गूगल पे इसे, सॉरी, जैसे गूगल पे में UPI आपका बना हुआ है ना, जो UPI ID होता है, यहाँ पे भी आपको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे है, रिचार्ज है, DTH है, तो मतलब आप देख सकते हैं जैसे गूगल पे यूज करते हैं वैसे ही ये यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये सारा इंटरफेस यहाँ पे खुल गया है। तो अब रही बात दोस्तों कि इसमें
न्यू कार्ड कैसे ऐड करते हैं या फिजिकल कार्ड कैसे ऑर्डर करते हैं, है ना, या फिर जनरेट यूपीआई आईडी कैसे करते हैं, या फिर पेमेंट कैसे करेंगे, रिचार्ज कैसे करेंगे, अगर सारा नॉलेज चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे कार्ड लिखा हुआ है, कार्ड पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों एक इस प्रकार का कार्ड आ गया है ना, ये जो फिजिकल कार्ड है इस प्रकार से कार्ड आ गया है। इसका आप डिटेल्स देख सकते हैं, व्यू एंड व्यू कार्ड डिटेल्स। तो कार्ड पे क्या होता है आपको मालूम है, 16 डिजिट का नंबर होता है, सीवीवी होता है जो कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को दिखाना नहीं होता। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कार्ड मेरा बन गया है, आप लोग का भी कार्ड जैसे डिजिटल कार्ड बन जाएगा। तो फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। पर ट्रांजेक्शन लिमिट है दोस्तों आपका 10,000, यहाँ पर लिमिट ट्रांजेक्शन है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 500 है, मैक्सिमम 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो भैया मैं तो अब इतना बता दिया हूँ कि इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, अगर इसके बारे में और डिटेल नॉलेज चाहिए तो कमेंट कीजिए दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा सारा, मतलब पेमेंट करके सारा कुछ यहाँ पे जो सेटअप मैं करके आपको दिखाऊंगा, उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूँ कि ये बहुत रियल जनरल है, मतलब जेन्यून है, रियल है, लीगल है, ठीक है। बेनिफिट आपको यही होगा कि यहाँ से जो पेमेंट कीजिएगा आपको वही मिलेगा, रोबी टोकन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अब आते हैं इसमें, आते हैं दोस्तों पे पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ शो करेगा, वहाँ से आप पेमेंट कीजिएगा, ऐड मनी करके आप पेमेंट कीजिएगा, यहाँ पे वो सारा चीज़ शो करेगा, चाहे आपका लीडर बोर्ड हो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपने कितना किया है, क्रिप्टो आपने कितना भेजना है, पे बिल आपने, मतलब आपने क्या बिलिंग किया है, मोबाइल रिचार्ज हो गया या फिर बिजली बिल जमा किया है, नेटवर्क अर्निंग, यहाँ पर सारा कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्क अर्निंग है दोस्तों, जो आपका आपके रेफर आईडी से जो लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है, जो लोग ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे आपका नेटवर्क इनकम भी अर्निंग हो सकता है, अर्न फ्रॉम शॉप। तो यहाँ पे सारा डिटेल आप देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन तो अभी कुछ है नहीं क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये सारा कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, ट्रांजेक्शन अभी कुछ नहीं हुआ है, मतलब आप Mall91 में जाके डायरेक्ट ओमनी को ओपन भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक फंडा है, अगर ज़्यादा रोबी कमाना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, तो भैया आप इसका यूज कीजिए ओमनी कार्ड को, क्योंकि पेमेंट तो आपको करना ही होता है, गूगल पे से आप ना कीजिए बल्कि यहीं से आप कीजिए, क्या दिक्कत है, चूँकि यहाँ बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आप सबको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल वालों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, समझ गए, ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। तो चलिए उम्मीद करके यही चल रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय की बोर्ड 91, जय 5 बिलियन.com, जय 2